नमस्कार, स्वागत है आपका धज्जे के पेजेस की डेली न्यूज कास्ट में। नीतीश ने क्यों कहा बीजेपी बिहार में बना सकती है अपना सीएम। कल जो नीतीश कुमार ने पार्टी के अंदर बयान दिया, उससे ठीक एक दिन पहले बीजेपी के सीनियर नेता संजय पासवान ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठा दिया था सवाल। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार सही अफसर को काम नहीं दे रहे। इससे पहले बीजेपी के एक मौजूदा एमपी ने लेटर लिखा था, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जरूरत है। किसानों और सरकार के बीच बुधवार को विज्ञान भवन में होगी बातचीत। आंदोलनकारियों ने बैठक से पहले एजेंडा स्पष्ट करने की मांग की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कृषि सुधारों के पक्ष में थे मनमोहन सिंह और शरद पवार, सियासी दबाव के कारण रहे विफल। दूसरी ओर किसानों के मुद्दे पर जनवरी में करेंगे आंदोलन अन्ना हजारे। और वही केजरीवाल ने कहा, सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को दिया जाएगा मुफ्त 4G। कोविड को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को नए साल की पार्टियों पर नजर रखने को कहा। पिछले 24 घंटे में आए 16,000 से कुछ ज्यादा केस, 6 महीने में सबसे कम है ये आंकड़ा। वहीं कई और देशों में पहुंचा कोरोना का नया स्ट्रेन। रजनीकांत का बड़ा ऐलान, नहीं बनाएंगे सियासी पार्टी। खराब सेहत का दिया हवाला, कहा चुनावी राजनीति में उतरे बिना करूंगा जनता की सेवा। इससे पहले 31 दिसंबर तक पार्टी बनाने की कही थी बात। दूसरी ओर यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ बना कानून। धोखेबाजी से धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान। मेलबोर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने बराबर किया हिसाब। 70 रनों का लक्ष्य 2 विकेट गंवाकर किया हासिल। कप्तान अजिंक्य रहाणे को शानदार शतकीय पारी के लिए मिला मैन ऑफ द मैच अवार्ड। अब नजर करते हैं कुछ और खास खबरों की ओर। नए फीचर से अपडेट हुआ फास्टैग ऐप। अब गाड़ी का नंबर डालकर चेक कर सकेंगे बैलेंस। किसी कारण टोल प्लाजा सर्वर पर टैग अपडेट नहीं होने पर भी गाड़ी के फास्टैग का स्टेटस आसानी से पता चल जाएगा। जनवरी से महंगे होंगे टीवी, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान। 10% तक बढ़ सकती है कीमत। वार्ड नंबर 31 के पार्षद सुचा सिंह ने भवानी नगर तालाब तिलों में नाले पर स्लैब डालने का काम शुरू करवाया, जिसकी लागत तकरीबन 3 लाख रुपए होगी। आज महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा केंद्र सरकार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रही है और वह हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम कराती आई है। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों ने सरकार को चेतावनी दी कि 5 तारीख तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह काम छोड़ हड़ताल करेंगे। श्रीनगर लेह हाईवे 31 से होगा पूरी तरह बंद। बीआरओ के अनुसार बर्फ हटाने के दौरान और गाड़ियों को जोजिला पार कराने के दौरान जान माल के खतरे को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उनके अनुसार इस बार जल्दी हाईवे खोलने का प्रयास किया जाएगा। नए साल से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के पहाड़ बर्फ से लकदक हो गए हैं। रविवार की रात सोमवार सुबह जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नीटॉप, नाथाटॉप से लेकर श्री माता वैष्णो का दरबार बर्फ की चादर से ढक गया। मंगलवार सुबह कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। नए साल पर मौसम की करवट से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। होटलों में एडवांस बुकिंग में भी तेजी आई है। अब एक नजर मौसम की ओर। नए साल पर शीतलहर की चपेट में रहेगा उत्तर भारत। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान। बर्फीली हवाओं से और बढ़ेगी ठिठुरन। दिल्ली NCR में खतरनाक स्तर पर रहेगा प्रदूषण। इसी के साथ में महक रहना, याद रखें 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।